रिवोल्ट ऑफ 1857 को समझने के लिए हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइमलाइन को समझना होगा। इस टाइमलाइन में 1757 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर था। इस साल बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। इस बैटल से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, बट 1757 के बैटल के बाद पॉलिटिकल पावर का रूप ले रही थी। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर रूल करना स्टार्ट करा। इनके रूल से इंडिया में जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे सारे लोग परेशान थे, जैसे रूलर, यहाँ के सिपाहीज हो गए, जमींदार हो गए, ट्रेडर्स हो गए, आर्टिसंस, ये सारे इनके लॉ ऑफ रूल से परेशान थे। ईयर 1757 से 1857 तक इन 100 सालों में छोटे छोटे बहुत ही रिलीजियस और पॉलिटिकल वायलेंसेस, ट्राइबल मूवमेंट्स, किसान आंदोलन हुए, आम लोगों ने विद्रोह किया, पर सबको दबा दिया गया। बट 1857 में जो शुरू हुआ वो काफ़ी बड़ा रिवोल्ट का रूप ले लिया। उसके पीछे का रीजन डिस्कस करते हैं। ईयर 1857 में न्यू इनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस की गई थी, जो पुराने राइफल्स से बेहतर थी। पुराने में पहले गन पाउडर लोड किया जाता था, फिर बुलेट लोड किया जाता था। ऐसे में हर सिपाही को दो दो बैग कैरी करने पड़ते थे। बट नए गन के लिए गन पाउडर और बुलेट को कागज के एक सिलेंड्रिकल पैकेट में पैक कर दिया गया था, जिसे कार्ट्रिज बोला जाता था, और कागज के ऊपर एनिमल फैट से ग्रीस किया जाता था ताकि ये हवा पानी से खराब ना हो। अब इस पैकेट को खोलने के लिए हर सिपाही को अपने दांत से खोलना पड़ता था, तो उनको आपत्ति ये थी कि जो केमिकल इस कार्ट्रिज को प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है उसमें एनिमल फैट्स ना मिलाया जाए। अफवाहों की माने तो इस केमिकल में सुअर और गाय की चर्बी मिलाई जाती थी। तो जितने भी हिंदू मुस्लिम सिपाही थे वो बगावत पे उतर गए। उड़ीसा के बहरामपुर से 19th नेटिव इन्फेंट्री ने फरवरी 1857 को नए कार्ट्रिजेज को यूज करने से मना कर दिया, तो इस इन्फेंट्री को बैन कर दिया गया। इनको बैन करते ही बैरकपुर के 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही, जिनका नाम मंगल पांडे था, उन्होंने अपने यूनिट के मेजर पे गोली चला दी। इसलिए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद अवध यानी कि पूरा लखनऊ के आसपास का पूरा क्षेत्र के 7th फौज रेजिमेंट ने 3 मई को बगावत कर दिया और इन्हें भी बैन कर दिया गया। अब इंडियन सिविल चल रही थी। 24 अप्रैल 1857 को मेरे के थर्ड नेटिव कैवेलरी यानी कि घुड़सवार से ने कार्टर्स के बीच समय से मना कर दिया, उन्हें उठाकर के जेल में डाल दिया गया। मेरठ में तैनात दूसरे फौजस ने जेल पर हमला कर दिया और अपने सारे साथियों को छुड़ा दिया। बीच में जो भी आया मारा गया। इस तरह से रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत हुई। देखा जाए तो सबसे ज्यादा लड़ाई 1857 मेरठ से ही मानी जाती है, क्योंकि पहले भी लोगों से जितने भी रिवोल्ट थे उनको सक्सेस कर दिया, बट जो मेरठ में शुरू हुआ वो रोका ना जा सका। 1857 के रिवोल्ट की वजह केवल एक ग्रीस कार्टेजेस यूज करना ही नहीं था, और भी कारण थे, जैसे कि इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे उसको डिस्कस करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को वॉर एक्सपेंस के लिए पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने लैंड पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया और कई तरह के सेटलमेंट बनाए, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रोजगारी सेटलमेंट, महामारी सेटलमेंट, जिन्होंने हाई टैक्सेस पे इम्पोज कर दिए लैंड पे, जो किसान दे नहीं पाते थे। तो वो लोग मनी लेंडर से पैसे लेकर के आते थे, बट खेती में इतनी उपज हो नहीं पाती थी कि वो लोग कैसे वापस करें, तो मनी लेंडर कर्ज न दे पाने के कारण इनकी जमीनों को छीन लिया करते थे। अब बात करते हैं आर्टिस्ट की। ऐसे लोगों को दो जगहों से इनकम होता था। पहला राजा महाराजाओं से, जो इनके कला से प्रसन्न होते थे। दूसरा बाजारों में अपना कला जैसे सामान को बेच करके। बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई राजाओं से मिलने वाली इनकम भी बंद हो जाती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन में बने सामानों को इंडियन मार्केट में बहुत कम दामों पे उतार रही थी। इस तरह इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गया था। ट्रेडर्स को एक्सपोर्ट पे हाई टैक्स लगा दिया गया था, जिससे वो अपना सामान इंडिया के बाहर न बेच पाए, और ब्रिटिश सस्ता सामान तो भारत में बेच ही रहे थे। जमींदारों से हाई अमाउंट में टैक्स लिया जाता था, और अगर टारगेट के बराबर पे नहीं करते थे तो उनसे जमींदारी छीन ली जाती थी। अब सोचो, जिस जमीन के बल पे उनको इतना सम्मान मिलता था, वही जमीन छीन जाने के बाद उनको एक कुत्ता तक नहीं पूछता था। इतनी बेइज्जती के कारण वो लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इस रिवोल्ट में कूद गए। तो ये थे इकोनॉमिक कॉजेस। अब बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस की। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी इज्जत और पावर बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, चाहे वो कोई ट्रीटी तोड़ना पड़े या फिर अपने वादे से मुकरना पड़े। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस जैसे पॉलिसीज को लागू करके ईस्ट इंडिया कंपनी
अपना भरोसा खो दी थी। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स, छोटे अधिकारी और कोर्ट कचहरी, इन्हीं लोगों से आम जनता का पाला पड़ता था और ये लोग काफी करप्ट हो चुके थे, तो गुस्साए लोगों ने रिवोल्ट में जमकर पार्टिसिपेट किया। अब देखते हैं रिलीजियस कॉजेस को। ब्रिटिशर्स अपने आप को रंग के आधार पर इंडियन से सुपीरियर समझते थे और ऊपर से इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज को बढ़ावा दे रहे थे, तो यहाँ के लोगों को लगा हम सबके धर्म परिवर्तन की तैयारी चल रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सती प्रथा को बंद कर दिया, विडो रिमैरिज को सपोर्ट करा और वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया। इन सब बातों से भारत में लोगों को गुस्सा था कि ये लोग हमारे रिलीजियस और सोशल मैटर में दखलअंदाजी क्यों कर रहे हैं। मंदिर मस्जिदों के जमीनों पर हाई टैक्स लगा दिया गया था। ये सब सोशल रिलीजियस कॉजेस थे जिनसे सिविलियंस काफी गुस्से में थे। अब देखते हैं आउटसाइडर इवेंट्स। इंडिया के बाहर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को कई जगह से हार झेलनी पड़ी थी, जिससे इंडियंस को भी उम्मीद दिखने लगी थी कि ब्रिटिशर्स को भी हराया जा सकता है। ईयर 1838 से 1842 तक फर्स्ट अफगान वॉर हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स बुरी तरह हारे थे। ईयर 1845 से लेकर के 1849 तक पंजाब वॉर हुआ और 1854 से 1856 तक क्रीमियन वॉर हुआ। इन दोनों वॉर में ब्रिटेन जीत तो गया, पर इंडियंस को आइडिया हो गया था कि इन ब्रिटिशर्स की कमजोरी कहाँ है। जो नेक्स्ट रीजन है वो है डिसकंटेंटमेंट अमंग सिपाहीज। हिंदू मुस्लिम सिपाहियों को उनको रिलीजियस चीजों का यूज करने से रोका जाता था, जैसे कि टीका, जनेऊ और टोपी लगाना। इंडियंस को कम सैलरी दी जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत से सिपाही अवध रीजन से थे, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को अनेक्स कर लिया तो यहाँ के सिपाही काफी नाराज हुए। तो हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 के मेजर कॉजेस को कवर कर लिया है। अब देखते हैं कि यह रिवोल्ट मेरठ से बाकी जगहों पर स्प्रेड कैसे हुआ। इस रिवोल्ट की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इन क्रांतिकारियों को पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी टाइम इस रिवोल्ट को सप्रेस कर देगी। अगर इन्हें इस रिवोल्ट को बड़े लेवल तक ले जाना है तो इन्हें एक लीडरशिप चाहिए जो इन्हें दिल्ली में मिल सकती थी। दिल्ली रीजन के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जितने भी इंडियन सिपाही थे वो लोग भी इन क्रांतिकारियों के साथ मिल गए और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार के दिल्ली को कैप्चर कर लिया। दिल्ली कैप्चर के बाद ये लोग लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे। इनकी उम्र उस समय 82 वर्ष की थी। क्योंकि इतने सालों तक का मुगल डायनेस्टी को इंडिया में रूल करने का एक्सपीरियंस था, तो इन्हें एक अच्छा लीडर मिल गया और हर राज्य के राजाओं से तालमेल भी था। तो बहादुर शाह जफर ने लेटर लिखे आसपास के राजाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने की बात रखी कि हम सब एक साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भगा सकते हैं। उधर बरेली में सूबेदार बख्त खां, जो 40 साल से ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर रहे थे, उन्होंने भी बगावत कर दी और बरेली से सभी अपने सिपाही साथियों के साथ दिल्ली आकर इंडियन सोल्जर्स की कमांड ले ली और बन गए जनरल बख्त खां। 1857 रिवोल्ट के जो मेन रीजन थे उनमें था बरेली, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, फैजाबाद, आरा। बरेली से दिल्ली में क्या हुआ तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कानपुर में रिवोल्ट कैसे स्प्रेड हुआ। कानपुर में पेशवा बाजीराव टू को ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशन देती थी। बाजीराव टू के एक एडॉप्टेड सन थे डोंडूमल, जिन्हें हम नाना साहिब के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम बाजीराव टू को ही लास्ट पेशवा मानते हैं और इनके अडॉप्टेड सन को हम पेशवा नहीं मानेंगे और इन्हें पेंशन भी नहीं देंगे। ये सब देख करके वहाँ के इंडियन सिपाहियों को नाना साहब ने अपने साथ लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को कानपुर से खदेड़ दिया और खुद को वहाँ का पेशवा घोषित कर दिया। अब बात करते हैं अवध की। अवध की राजधानी लखनऊ हुआ करती थी और लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह और इनकी बीवी थी बेगम हजरत माल और बेटा बिरजिस कादिर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में अवध को अनेक्स कर लिया था और यहाँ के नवाब को जबरदस्ती कलकत्ता भेज दिया था। अवध में रेबेलियन की शुरुआत हुई थी 4 जून 1857 को। ऐसे में लड़ाई की कमान संभाल रही थी बेगम हजरत माल और बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया था। बेगम हजरत माल के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी टिक नहीं पाई और बेगम हजरत माल ने लखनऊ को फिर से अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन लखनऊ के रेजिडेंसी में हेनरी लॉरेंस, जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, अपने वफादार सिपाहियों और यूरोपियंस के साथ छुपे हुए थे। इंडियन सिपाही ने इस रेजिडेंसी को चारों तरफ से घेर लिया और अटैक कर दिया। इस अटैक में हेनरी लॉरेंस को मार दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम रहेंगे लखनऊ के रेजिडेंसी में। इस वीडियो के बाद आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखेगा। अब बात करते हैं बरेली की। यहाँ रिवोल्ट को लीड कर रहे थे खान बहादुर खान। ये रोहिलखंड के रूलर हाफिज रहमत खान के पोते थे। इन्होंने देखते ही देखते 40,000 सिपाहियों की फौज इकट्ठा कर दी। 82 साल की उम्र में भी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के पसीने छुड़ा दिए थे। बाकी सभी जगहों पर रिवोल्ट सप्रेस होने के बाद भी यहाँ रिवोल्ट आखिर तक चलता रहा। अब देखते हैं आरा, जो कि बिहार में पड़ता है। यहाँ के जमींदार थे कुंवर सिंह। ब्रिटिशर्स ने इनकी जमीनें छीन ली
और ये इसका बदला लेने के लिए परेशान थे। पास के छावनी से इंडियन सोल्जर इनके पास पहुंचे तो ये उनको लीड करने के लिए तुरंत रेडी हो गए। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। वैसे तो ये मद्रास से थे पर ये रिवोल्ट के टाइम पे फैजाबाद में ही थे। अब देखते हैं झांसी में क्या हो रहा था। झांसी के राजा थे गंगाधर राव जी। इनकी वाइफ थी रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था दामोदर। राजा गंगाधर राव के मरने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लगाकर झांसी को अनेक्स कर लिया। इसके विरोध में रानी लक्ष्मीबाई ने इंडियन सिपाही को साथ लेकर वापसी के लिए रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। लक्ष्मीबाई की मदद के लिए तात्या टोपे भी आ गए थे। तात्या टोपे जी नाना साहेब के करीबी थे। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर के ग्वालियर के राजा सिंधिया पे अटैक कर दिया। सिंधिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाटुकार थे। सिंधिया को वहाँ से भगाकर लक्ष्मीबाई ने घोषणा कर दी कि मराठा किंगडम की फिर से शुरुआत हो चुकी है। लेकिन थोड़े ही समय में जून 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस किंगडम को फिर से कैप्चर कर लिया। आइए अब देखते हैं इंडिया की आम जनता इस रिवोल्ट को कैसे नेक्स्ट लेवल तक ले गई। किसानों के लिए मनी लेंडर और जमींदार ही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे। तो किसानों ने उन जमींदारों पर अटैक कर दिया और उनके बही खाते जला दिए जिसमें वो लेन देन का हिसाब रखते थे। आम लोगों ने नज़दीकी कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिसेज जो कि तहसील में हुआ करता था, और पुलिस स्टेशन को जला दिया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवध में 1.5 लाख इंडियन रेवोल्यूशनरीज में से 1 लाख सिविलियन मारे गए थे। अब देखते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को कैसे सप्रेस किया गया। जॉन निकोलसन ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को कैप्चर कर लिया और वहां के नवाब बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल में डाल दिया जिनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। और दिल्ली में इनके दो बेटे थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस तरह मुगल डायनेस्टी का कोई वारिस न होने की वजह से मुगल डायनेस्टी के अंतिम रूलर बहादुर शाह जफर रहे और वहीं मुगल डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। 6 दिसंबर 1857 को नाना साहेब को भी हरा दिया गया और 1859 में ये नेपाल में जाके कहीं छुप गए और इसके बाद उनका कहीं पता भी नहीं चल सका। सर ह्यू रोज ने जून 1858 में झांसी को कैप्चर कर लिया और इसी लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। कानपुर को कैप्चर करने के बाद सर कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से बेगम हजरत माल से लखनऊ को कैप्चर कर लिया और वहां फंसे सभी अपने यूरोपियन साथियों को बाहर निकाला। और अवध से भागने के बाद बेगम हजरत माल नेपाल में जाकर कहीं छुप गईं। ये सारा इंसिडेंट लखनऊ के रेजिडेंसी में हो रहा था। वहां की दीवारों पे आज भी गोलियों और बमों के निशान हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में रेजिडेंसी चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दें रिवोल्ट ऑफ 1857 के फेल होने के मेन रीजंस क्या थे। इंडिया के सभी स्टेट्स के लोग इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और जहां यह रिवोल्ट हो रहा था वहां के सभी वर्ग के लोग भी इसमें शामिल नहीं थे। और ऊपर से जो इंडियंस के पास आर्म्स और इक्विपमेंट्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इक्विपमेंट्स के सामने आउटडेटेड थे। साथ ही साथ इन स्टॉर्म सेंटर्स में रेवोल्यूशनरीज के बीच कोई आपसी तालमेल भी नहीं था, ना कोई प्लानिंग थी। और इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के मकसद अलग अलग थे, इसलिए रिवोल्ट कुछ रीजन्स तक ही सीमित रह गया और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया। तो ये था रिवोल्ट ऑफ 1857 का पूरा स्टोरी। तो उम्मीद करते हैं कि इसको देखने के बाद जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे आप उनको अच्छी तरह से आंसर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं लखनऊ की रेजिडेंसी में। तब तक के लिए बाय बाय।